बाप ने अपनी 9 साल की बेटी से किया घिनौना काम। बाप बेटी का रिश्ता हुआ शर्मसार, इस बाप ने अंधी बेटी को नहीं छोड़ा। मुझे छोड़ दीजिए पापा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे ऐसा काम नहीं होगा। पापा प्लीज़, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ। पापा प्लीज़, मुझे जाने दीजिए। एक 9 साल की बेटी जो एक आँखों से अंधी है, वो अपने ही बाप के सामने अपनी दर्द और दुखों को दिखाने की कोशिश करती है, अपने जीवन की भीख मांगती है। लेकिन वो 55 साल का बाप उस बेटी के दर्द की कोई असर नहीं पड़ता। आखिर पड़ता भी क्यों? वो एक अय्याशी बाप था जो अपनी अय्याश और अपनी भूख मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता। यहाँ तक कि उसकी बेटी भी अपने जीवन की भीख मांगती है, पर उस पर, उस बाप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंत में वो बाप अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए उस बेटी के जीवन को नरक बना दिया। बेटी तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को नहीं बख्शा और फिर कर लिया अपनी मनमानी। बेटी तड़पती रही फिर भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लिया है। अभी तो मैं 25 साल की हूँ और सभी दुखों को काट कर, सभी दर्दों को सह कर अभी भी जिंदा हूँ। और अभी तो मैं ठीक हूँ, पर मैं अपनी आप बीती आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी इस कहानी से आपको कुछ समझ में आती है तो इसे शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, मैं मुंबई बांद्रा स्टेशन के पास में ही रहती थी अपने बाप के साथ में। उस समय मैं महज 9 साल की थी। मेरे पापा फिल्म के बहुत शौकीन थे और उसकी सबसे फेवरेट हीरोइन श्रीदेवी थी। मेरे पापा श्रीदेवी के घर को रोज़ 1-2 चक्कर ज़रूर लगाते और वो काम तो कुछ नहीं करते, बस रिक्शा चलाते और वो भी सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। और फिर वो जो पैसा कमाते उसे होटल में बैठकर खा लेते और श्रीदेवी के घर को चक्कर काटते। ऐसे ही करते उन्हें 5 साल हो गया। फिर मेरी मम्मी उस रास्ते से जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन की दीवानी थी और वो भी कभी कभी आ जाती उन फिल्म स्टारों की घरों को चक्कर काटने। फिर मेरे पापा भी आते। इस प्रकार से इन दोनों को एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों शादी कर लिए। उस समय मेरी मम्मी विधवा थी और मैं 2 से 3 साल की थी। फिर भी मेरी मम्मी इनसे शादी कर लिया, मैं सौतेली बेटी हो गई। इस पापा को और मेरे खुद के पापा का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था तो वो मर गए थे और मेरी मम्मी दूसरी शादी की थी। दोस्तों, भगवान मेरी नसीब किस हाथों से लिखी थी पता नहीं। और एक दिन मेरे मम्मी पापा खुद के रिक्शे से घूमने निकले तो सामने एक ईंट पर रिक्शा की टायर पड़ी और फिर पापा के रिक्शा का हंडिया चकमका दिया और पापा गिर गए। फिर सामने से एक कार आकर मम्मी को ठोक दिया और इस प्रकार मेरी मम्मी भी मर गई। फिर मेरे सौतेले बाप मुझे बहुत सताने लगे। जो कमाते खुद होटल में खा लेते और सोने के टाइम घर आकर सो जाते, फिर अगली सुबह वही काम करते और अब तो पीने भी लगे थे। दोस्तों, भूख से मैं रोती पर पापा को मुझ पर कोई दया नहीं आता। फिर मैं भीख मांगकर खाने लगी और घर आकर रहने लगी। एक दिन मेरे पापा होटल से खाना खाकर और पीकर आ रहे थे तो मेरे ही घर के सामने पड़ोस ने बोल दिया पापा से, मेरे पापा का नाम शिवनाथ था, तो पड़ोस के अंकल मुझे स्टेशन पर भीख मांगकर खाते हुए देखे थे, इसीलिए वो बोले, शिवनाथ तुम अपनी बेटी को तो कम से कम 2 वक्त की रोटी और 1 वस्त्र तो दो। तू होटल में खाते हो
और ये भीख मांग कर खाती है। ऐसा जुर्म क्यों करते हो इस छोटी सी उम्र वाली बच्ची पर? दोस्तों, वहाँ तो मेरे पापा कुछ नहीं बोले, लेकिन घर आकर मुझे बहुत मारे और एक डंडा उठाए मारने के लिए। तो मैं जैसे ही भागने की कोशिश की तो मेरी आंखों में वो डंडा लग गया, जिससे मेरी आंखें चली गई। उस दिन से मैं घर से बाहर स्टेशन पर ही रहने लगी। एक दिन मेरे पापा दो लोगों को लेकर के आए थे और उनसे कुछ पैसे लिए और मुझे उनके हवाले कर दिए। मैंने बहुत रोया चिल्लाई, पर मेरे रोने चिल्लाने की कोई असर नहीं पड़ा उन पर। इस प्रकार से मैं मुंबई बांद्रा से चली गई और फिर उन लोगों ने मुझे एक होटल पर ले गए और उस होटल पर पूरे दिन मैं रात 9-10 बजे तक बर्तन धोती, सबको नाश्ता खाना देती और भरपेट खाती। तब से मैं यही करते आ रही हूँ और अब तो वो लोग मुझे पैसे भी देते हैं क्योंकि मैं खाना भी बनाती हूँ उस होटल में और मैंने एक नौकर से शादी भी कर लिया हूँ। अच्छी से जी रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको किस प्रकार की कहानी पसंद है कमेंट में ये भी ज़रूर बताना। मैं आपको आपके मनपसंद की कहानी लेकर ज़रूर आऊँगी। धन्यवाद।